हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है द एजुकेशन वॉरियर में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल फ्रेजों को लाया हूँ, और फ्रेज का यूज करिए और अपने फ्लुएंट अंग्रेजी को बहुत बरकरार बनाइए स्पीकिंग लिंग्स को। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने फ्रेजों को, जिसमें फ्रेज क्या है, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। लोग कहते हैं भैया इसका यूज कहाँ करेंगे, लोग कुछ बताते हैं, कहते हैं लोग क्या क्या बकवास कर रहे हो, तो आप वहाँ अंग्रेजी में क्या कहिएगा, व्हाट नॉनसेंस। अगला है हैव टू से, कहना पड़ेगा। वह कितना अच्छा कपड़ा पहना है, वह कितना अच्छा घर बना है, कहना पड़ेगा बहुत अच्छा। अगला है भैया ब्रेकिंग न्यूज, ताज़ा खबर, इट मीन्स ताज़ा खबर। आप टीवीओं पर देखते होंगे, हेडलाइन देखते होंगे, ताज़ा खबर क्या देखते हैं, ताज़ा खबर देखते हैं। अगला भैया क्या है, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आओ। कभी लोग सभा में बैठे होते हैं, थोड़ा इधर उधर का बकवास हो जाता है, तो आप वहाँ क्या क्या सकते हैं, मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट। अगला क्या भैया, प्लेबैक सिंगर, मतलब साथ देने वाले लोग, जो आपके साथ देने वाले लोग हैं उनके लिए आप क्या कहिएगा, प्लेबैक सिंगर। अगला भैया हैव अ लुक, जरा इधर देखो, जरा इधर देखो, हैव अ लुक, एक नज़र, एट अ ग्लांस, एट अ ग्लांस इट मीन्स एक नज़र, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं, सी यू सून, बहुत ही जल्द मिलते हैं, बहुत जल्द ही मिलते हैं। ये भैया 10 फ्रेज रहे। अगर हम एक आपको बहुत प्यारा सा सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, देखिए, मैंने उसे चोरी करते हुए देखा, या आपसे पूछ लिया जाए मैंने उसे खेलते हुए देखा, तो आपको क्या आप कैसे बनाना है, दो सेंटेंस ही आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, आई सॉ हिम, वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, क्या, वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर का फॉलो करिए और यह सेंटेंस बन गया जाएगा। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैंने यानी अंग्रेजी, आई हो गई, स माने देखा, हिम माने उसे, मैंने उसे देखा क्या करते हुए भैया, स्टीलिंग, स्टीलिंग मतलब चोरी करते हुए, एकदम आसान सा है। दूसरा भैया आई सॉ हिम, ये पूरा ऐसे ही उतर जाएगा, क्या करते देखा है, प्लेइंग करते, प्ले यानी खेलते। इसका यूज करके आप बहुत ही अच्छे ढंग से सेंटेंसों को बना सकते हैं। तो मैं भैया इसकी समाप्ति के लास्ट में एक मैसेज देना चाहूँगा, वो मैसेज इस प्रकार से है, सो लिसन टू मी केयरफुली, मैसेज को ध्यान से सुने और अपने जीवन पर फॉलो करें। कंटिन्यूअस एफर्ट्स एंड पॉजिटिव थिंकिंग इज द बेसिस ऑफ सक्सेस, इट मीन्स सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास ही सफलता का आधार है। यदि आप कोई भी काम सकारात्मक सोच से और साथ साथ में लगातार करें, तो कोई ऐसी मंजिल नहीं है जो आप ना पा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो हमारे वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।